नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे YouTube से पहला पेमेंट आ भी गया है और यह पेमेंट मुझे करीब 20 से 25 दिन हो गया। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कितना पेमेंट मिला है और यह पेमेंट मुझे बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर में मुझे पेमेंट कितना मिला। आप सभी को भी बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप भी न्यू यूट्यूबर हैं या यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत सा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा कि यूट्यूब से कैसे अर्निंग होता है, कितना व्यू पर कितना पैसा मिलता है, और बहुत सी चीज़ें आपको डाउट क्लियर जो हो, जो भी आपको डाउट होगा वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा जो चैनल है मैंने क्रिएट किया था 2019 में अप्रैल महीना में। तो मैंने जो चैनल क्रिएट किया था एजुकेशन पे, तो यानी जो मुझे आता है आप सभी को बताता हूँ, शेयर करता हूँ। एजुकेशन मेरा कैटेगरी मैंने चूज किया था और जो कुछ भी मुझे आता है आप सभी को मैं क्लियर समझा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। इसके बाद यह वीडियो मैंने बनाना शुरू कर दिया और वीडियो यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया। और जो कुछ भी मुझे नहीं पता था तो यूट्यूब में मैंने सर्च करता था, वो सभी चीज़ें सभी पे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाता है, और वहाँ से देख देख कर मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से सीख गया। इसके बाद दोस्तों, यूट्यूब का है कानूनी नियम भी है, रूल भी है। तो उस समय नियम था और आज भी वही नियम है कि 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 वॉच टाइम आपको 1 साल में पूरा करना है, यानी 365 दिनों में आपको 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 वॉच टाइम हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, जब मैंने वीडियो बनाया था तो यह जो नियम है 1 महीने में पूरा हो गया, यानी 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 वॉच टाइम 1 महीने में पूरा हो गया। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको जीरो से अंत तक बता रहा हूँ मैं यूट्यूब मैंने जो जर्नी मेरा जो है यूट्यूब का कैसे स्टार्ट किया, कैसे आज मैं हूँ यूट्यूब पे। तो मैं आपको शुरू से अंत तक बता रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा 4,000 वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया तो एक ऑप्शन आ जाता है आपको मोनिटाइजेशन का, मोनिटाइजेशन ऑन होने का एक ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों, उसमें कुछ नाम पता फिलअप करना पड़ता है, और जैसे ही यह नाम पता फिलअप कर किया जाता है एडसेंस अकाउंट से जोड़ने के लिए, मोनिटाइजेशन जो होता है एडसेंस अकाउंट से जोड़ने के लिए कुछ नाम पता देना पड़ता है। जैसे ही यह नाम पता दिया जाता है तो यह मेरा जो चैनल जो होता है रिव्यू में चला जाता है कुछ दिनों के लिए। जब आपका वीडियो अपने आप बनाइएगा, खुद का वीडियो होगा, तो आपको 1 सप्ताह या 5 से, हाँ, मिनिमम 5 से 6 दिन लगता है रिव्यू में। यदि आपका खुद का वीडियो होगा तो 5 से 6 दिन में मोनिटाइजेशन ऑन हो जाता है। यदि आपका खुद का वीडियो नहीं है, आलतू फालतू जो वीडियो बना दिए हैं, मान लीजिए आप एजुकेशन पे या व्लॉग पे कोई आप चूज किए हैं कैटेगरी और दूसरे चीज़ों का वीडियो आप बनाइएगा तो रिव्यू में जाएगा तो कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा। यदि आपका अच्छे से आपका कैटेगरी है, मान लीजिए व्लॉग का है या व्लॉग का ही वीडियो बनाते हैं, या टेक्निकल का है टेक्निकल का ही वीडियो बनाते हैं और फालतू का वीडियो नहीं बनाते हैं, तो आपको कम से कम 5 से 6 दिन में रिव्यू से बाहर निकल जाता है, यानी मोनिटाइजेशन ऑन कर दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब पार्टनर आप बन जाइएगा, यूट्यूब का पार्टनर। तो वहाँ से जब रिव्यू, जब आपका वीडियो देखा जाता है, आपका वीडियो, आप जो चैनल स्टार्ट किए हैं आपका खुद का चैनल है या नहीं, सब चीज़ों को देखा जाता है, इसके बाद मोनिटाइजेशन का ऑन हो जाता है। मोनिटाइजेशन ऑन होने के बाद आपके यूट्यूब पे एड्स आने लगते हैं। तो दोस्तों, उसी एड्स का हम लोगों का पैसा मिलता है जिसका यूट्यूब चैनल होता है, उनको एड का पैसा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई अभी फ्लिपकार्ट है, जैसे अमेजोन है, वो पैसा देता है यूट्यूब को, आप इतना पैसा ले लीजिए, हमारा ऐड चलाइए, तो उसी के अनुसार से हमें, हम सबको पैसा मिलता है। आप सभी को अच्छे से जान गए हैं। जैसन ऑन हो जाने के बाद हमारा
पेमेंट जो होता है चालू हो जाता है, यानी वीडियो पर ऐड आने लगते हैं, वीडियो अच्छा खासा चलने लगता है, वीडियो पर अच्छे से व्यू आने लगता है, जिससे पेमेंट भी बढ़ना चालू हो जाता है। दोस्तों जब $100 हो जाते हैं तब तो हमें पेमेंट मिलता है, क्योंकि YouTube जो है US कंपनी का है, जो US जो अमेरिका की एक कंपनी है YouTube, और वहाँ जो होता है डॉलर में पैसा बनता है। और जब जब इंटरनेशनल से जब पैसा आता है तो हम यानी हमारे देश में रुपीज हो जाता है, ठीक है, वो जो जितना डॉलर है वो रुपये में बदल जाता है। तो यहाँ $1 का 70 रुपये कुछ पैसा मिलता है दोस्तों, जब $100 हो जाने के बाद हमारा एडसेंस अकाउंट में एक वेरीफाई के लिए पिन भेजा जाता है US द्वारा, यानी वो पूछता है क्या आपका जो चैनल है क्या सच में आपका है या नहीं, उस कोड के माध्यम से वो वेरीफाई करना चाहते हैं। जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस द्वारा आता है वेरीफाई करने वाला पिन, यह पिन आपको कब आएगा, जब एडसेस अकाउंट में $100 हो जाने के बाद पिन आता है पोस्ट ऑफिस द्वारा। जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस द्वारा जो पिन आता है, जैसे ही हम पिन डालते हैं एडसेस अकाउंट खोलकर, तो वहाँ वेरीफाई हो जाता है हमारा एडसेस अकाउंट। इसके बाद पेमेंट यानी डॉलर बनना चालू हो जाता है, पेमेंट चालू हो जाता है। जैसे ही $100 होता है तो वहाँ दोस्तों एक बैंक अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद बैंक अकाउंट जोड़ने पे वहाँ एक चीज़ मांगा जाता है, स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड तो दोस्तों स्विफ्ट कोड हमारे पासबुक पर तो नहीं दिया रहता है, जैसे हमारे पासबुक पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आईडी कोड ये सब रहता है। तो दोस्तों जब इंटरनेशनल से जब पैसा आता है तो वहाँ स्विफ्ट कोड भी होता है। ये हमारे जैसे मान लीजिए हमारे जो जो हम देश में रहते हैं वहाँ तो IFSC कोड से हो जाता है, पैसा यहाँ से वहाँ चला जाता है, लेकिन जब इंटरनेशनल से जब पैसा आता है तो वहाँ स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड आपको या तो बैंक में जाना पड़ेगा या ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना जो हमारा जो बैंक है स्टेट बैंक में था, तो हमने ऑनलाइन स्विफ्ट कोड निकाला था और उसे सेव करके रखा था। तो इसके बाद मैंने अपने बैंक में गया, वहाँ मैनेजर से बात किया और पूछा कि मुझे सर बाहर से पैसा आने वाला है, मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। तो मुझे बैंक जो मैनेजर थे वो हमें जान पहचान था, चीन रहे थे। उसके बाद वो बोले कि देखिए आप 1 से 2 दिन के बाद आइए, मैं आपको स्विफ्ट कोड बताता हूँ। जब मैंने पूछा तो वहाँ बड़े अधिकारी से भी फ़ोन पे बात भी किए स्विफ्ट कोड के लिए, तो बोले कि आप 2 से 3 दिन के बाद आइए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 दिन वेट किया। उसके बाद मैंने फिर से गया, फिर से मैनेजर से बात किया, तो बोले कि देखिए मैंने अभी पता किया था और मैंने गूगल से ऑनलाइन निकाले हैं स्विफ्ट कोड। तो मैंने अपना स्विफ्ट कोड उनका स्विफ्ट कोड मिलाया, तो मैंने पटना का गांधी मैदान का एक ब्रांच है, आप सब जानते हैं कि मैं बिहार से हूँ, तो पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा सा ब्रांच है, वहाँ का मैंने स्विफ्ट कोड निकाला था। और वो जो मैनेजर साहब थे वहाँ के साइड में हाईवे एक रोड है वहाँ का स्विफ्ट कोड निकाले थे। तो मैंने पूछा कि सर मैंने भी एक स्विफ्ट कोड निकाले हैं और ये गांधी मैदान का बड़ा सा ब्रांच का है, तो बोले कि आप यहीं डाल दीजिए क्योंकि स्विफ्ट कोड कभी चेंज नहीं होता है। तो मैंने बोला कंफर्म ये डाल दें, तो बोले हैं कि ठीक है आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत होगा तो मुझे आप बताइएगा। इसके बाद दोस्तों मैंने घर पर आया और अपना एडसेंस अकाउंट खोला, वहाँ बैंक अकाउंट ऐड में स्विफ्ट कोड डाल दिया, ऐड हो गया। इसके बाद दोस्तों मुझे महीना के लास्ट जैसे 22-23 तारीख को मुझे एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतना रुपया चला गया, तो 23 तारीख को मेरे मुझे पेमेंट मिल गया। हर यूट्यूबर को 22-23 को पेमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों मुझे आप सब जान गए हैं कि $100 के बाद मुझे पेमेंट मिला। सभी यूट्यूबर को $100 जब हो जाते हैं तभी पेमेंट मिलता है। तो आपको मैं बताता हूँ, तो एक
$1 का 70 रुपया, तो आप 70 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसमें प्लस 1 कर लीजिएगा। आप समझ गए हैं, क्योंकि देखिए यूट्यूब कहता है कि आपको जो पेमेंट मिलता है सामने वाले को न बताएं, सामने वाले जो हैं उसको न बताएं। तो मैं आपको थोड़ा अजीब टाइप का मैं बताता हूँ, आप उसे समझ लीजिएगा। तो 70 से और $100 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद प्लस में 1 कर लीजिएगा, उतना ही मुझे पैसा मिला है, यूट्यूब से आया है। दोस्तों यूट्यूब बहुत ही अच्छी है, यदि आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं और अकेला बैठे हैं और आप चाहते हैं कि कहीं से पैसा आए, तो यूट्यूब बहुत ही अच्छा है और आप बहुत ही अच्छे से पैसा अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब से। यदि आपको ख्वाहिश है, हिम्मत है कि मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना है, तो आप भी यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आप किसी को अपनी जो काबिलियत है वो आप किसी को दिखा सकते हैं, अच्छा लगता है तो आपको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। हमारा वीडियो कोई देखता है तो उनको पसंद आता है तभी सब्सक्राइब करते हैं, नहीं तो वो नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं। दोस्तों यदि आप हमें चाहते हैं और आप मुझे पसंद करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, YouTube से पैसा वही लोग कमाएंगे जिनके वीडियो पे बहुत ही अच्छा व्यू आता हो। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो अपलोड किया, 1,000 2,000 लाख में पहुंच गया व्यू, उसको पैसा बहुत ही ज़्यादा मिलता है। आप हमारे वीडियो पर देखिएगा तो 150 150 200 300 ऐसे ही व्यू आते हैं, तो मुझे पैसा नहीं बनेगा। बनेगा पैसा तब जब जब आपके वीडियो पे अच्छे से व्यू आएंगे, जब व्यू आएंगे तो आपको ऐड आएगा और ऐड का पैसा मिलता है। तो दोस्तों ऐसे ही यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है। यदि आप नए यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप बनाइए, नो टेंशन, आप बनाइए, और जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे आप कीजिए। आप चिंता मत कीजिएगा कि कब एडसेस अकाउंट का पिन आएगा, कब बैंक अकाउंट जोड़िएगा, ऐसा मत कीजिएगा। मेरे जैसा बिंदास रहिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कोई कोई यूट्यूबर कहता है कि यार कब पिन आएगा, कब बैंक अकाउंट जोड़ा जाएगा, पिन आएगा कि नहीं आएगा, स्विफ्ट कोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब काम बनेगा तो बिगड़ेगा कभी नहीं, इसलिए आप बनाइए, अच्छे से काम कीजिए और हिम्मत जुटा के काम कीजिए। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और इतना ही मुझे पैसा मिला है, आप सभी समझ गए होंगे। 1 डॉलर का 70 रुपये, 70 से 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जितना आएगा प्लस उसमें कर लीजिएगा, उतना ही पैसा मुझे मिला है। ठीक है, बस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबे समय के बाद बना रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा घाव लग गया था। मैंने जब शॉप यानी दुकान पर जा रहा था तो एक बंदा जो मुझे मोटरसाइकिल से धक्का मार दिया था, तो मैं 10 दिन बेड पे आराम किया, दवा चल रहा था, उसके बाद कुछ ठीक हो गए हैं, चल फिर रहे हैं। तो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप रोज आएगा ऐसा बात नहीं है, आपको मैं भूला नहीं हूँ और आप मुझे नहीं भूले हैं। बस थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।